Hi friends, Neelam here. Welcome to my channel Guldusta. Na atta, na suji, na maida. Cake banana only with banana. Just 5 minutes in microwave. 1 hour intezar bhi nahi karna padega. Minto mein hi taiyar ho jayega. Bas aap is video ko like kare, channel ko subscribe kare, bell icon ko press kare, comment karna bilkul na bhule. Banana cake banane ke liye maine 2 bananas le liye hain. और आप इसे टेस्ट कर ले कि कितना मीठा है उसके अकॉर्डिंगली बाकी की चीज़ें मैं बताती जाऊंगी और साथ ही मैंने लिए 2 अंडे और ये हो गया कोको पाउडर ये मैंने ले लिया 4 टेबलस्पून तो ये तो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं और जो छोटे छोटे और इसमें डालने हैं मैं साथ के साथ आपको बताती जाऊँगी और जिसमें बनाना है वो मैंने ले लिया है एक ये बाउल और ये है बटर पेपर इसको मैंने इसी की शेप का राउंड काट लिया है अब क्या करूंगी इस बाउल के अंदर मैं हल्का हल्का ऑयलिंग कर लेंगे सो दैट जब हम बेकिंग पेपर लगाएं तो ये अच्छे से इसमें चिपक जाए और बार बार ये ऊपर आके हमें तंग ना करे और इसके साथ ही इसके ऊपर भी मैं हल्का सा ऑयलिंग कर देती हूँ ताकि केक जब हम निकालें तो आसानी से निकल आए ये छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं मैं हर बार बताती हूँ वो इसलिए कि हमेशा आपको याद रहें और आप कहीं भी गलती ना करें ये सब बनाना जो है मैंने इसके पीसेस काट के इसको मैं डाल रही हूँ मिक्सर में इसके साथ ही डाल देंगे ये 2 एग्स इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर जो अभी 4 टेबलस्पून हमने लिया था मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर डाल रही हूँ क्योंकि केले मुझे ऐसे लगा बहुत ज़्यादा मीठे नहीं हैं 1 पिंच बेकिंग पाउडर ये भी इसमें डाल देते हैं और इसको मैं फटाफट मिक्स कर लेती हूँ ये सब कुछ मिक्सर में डालने के बाद इसको हल्का सा चला लेते हैं सो दैट ये सारा सामान हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसे खोलकर देखते हैं ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है तो लीजिए ये तो बढ़िया शानदार ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो चुका है अब क्या करेंगे इसे हम पोर कर लेते हैं अपने बाउल में इस बाउल में हम इसको डाल देते हैं जिसमें हमने बटर पेपर लगाया था अब ये तो हमने इसमें डाल दिया बड़े अच्छे से अब मैं क्या करने वाली हूँ मैंने ये थोड़े से व्हाइट चॉकलेट्स के ना बारीक बारीक टुकड़े काट लिए हैं अगर आपके पास कुछ और है चोको चिप्स है तो आप वो डाल सकते हैं तो मैं क्या कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक दाना डाल देती हूँ इसको हल्का सा हम नीचे भी दबा देंगे ताकि जब भी हमारे मुँह में बाइट आए तो एक अलग सा टेस्ट भी तो आना चाहिए इसमें कोई नट्स वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है आप अगर ये चॉकलेट डाल देते हैं तो वैसे ही बड़ा शानदार हो जाएगा इसको हल्का हल्का डिप कर देते हैं तो ये तो बिल्कुल तैयार हो गया बनाना केक का हमारा बैटर अब क्या करना है इसे माइक्रोवेव में 4 मिनट्स के लिए हाई पर रख के कुक कर लेंगे 4 मिनट्स के बाद एक नज़र मार लेना एंड आई विल शो यू कि टूथपिक से कैसे चेक करते हैं और अगर आपको लगता है कि हल्का सा गीलापन है तो 30 सेकंड्स या फिर 1 मिनट आप फिर से रख सकते हैं अदरवाइज ये 4 मिनट्स में रेडी हो जाएगा तो चलिए इसे मैं उठाकर फटाफट माइक्रोवेव कर लेती हूँ 4 मिनट्स के लिए ये सीधा मैं माइक्रोवेव से लेकर आ गई हूँ और आपको देखने में पता चल रहा होगा ना कि हल्का सा यहाँ सामने से सेंटर से हल्का सा शाइन कर रहा है वो थोड़ा सा गीला है क्योंकि इसको बनने के बाद कुछ टाइम के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देना चाहिए तो फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ ये अगर साइड से चेक करते हैं ये तो क्लीन है और ये सेंटर से करते हैं हल्का सा देखो ये गीलापन आया है इसको 1 मिनट और रखते हैं और साथ ही 3-4-5 मिनट तक रेस्ट के लिए भी छोड़ देंगे और दूसरी तरफ बना लेते हैं व्हिप्ड क्रीम व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए मैंने ये ले लिया है मिल्क क्रीम तो वैसे ये 500 ग्राम की 500 ml की बॉटल है बट मैं इतनी नहीं बनाऊंगी थोड़ा कम बनाऊंगी तो बनाने का तरीका बता देती हूँ क्योंकि केक्स के लिए चाहिए होती है ऊपर बनाने के लिए तो थोड़ा सा इजी हो जाता है जब हमारे पास ये घर में हम इसको आसानी से बना लेते हैं तो ये मैंने आपने देखा कि जो 500 ml वाली 500 ml वाली बॉटल थी उसमें से मैंने हाफ ले ली है तो इसकी बनाती हूँ मैंने ये स्टिक मिक्सर ले लिया है तो इससे मैं धीरे धीरे बनाती जाऊंगी आप देखना कि 2 मिनट में ये बन जाएगी ये देखिए फर्स्ट क्लास ये तैयार हो गई है और मैंने इसमें चीनी नहीं डाली क्योंकि जो केक है ठीक से अच्छे से मीठा है क्योंकि बनाना का है
इसलिए मैंने इसमें शुगर नहीं डाली। आप चाहें तो एक चम्मच शुगर भी डाल के इसको बना सकते हैं। तो ये तो तैयार हो चुकी है व्हिप्ड क्रीम। इसे यूज कैसे करना है वो भी बता देते हैं। मैंने व्हिप्ड क्रीम को पाइपिंग बैग में डाल लिया है, तो ट्राई करते हैं इसको डेकोरेट करने की। वैसे आपको पता है मैं ड्राइंग में कैसी हूँ, नॉट ए प्रॉब्लम, ट्राई कर सकते हैं। तो लीजिए और इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा मेपल सिरप। हाँ, ये देखिए, बस देखेंगे मजा आएगा, तो खाने का मजा कहीं गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए मिलकर काटते हैं इस केक को और एंजॉय करते हैं।